हे गाइस, वेलकम बैक टू अरुण इंडेक्स। आज हम डिटेल्स में बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या है और किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने से पहले हम थोड़ा कैंडल्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आपको दो कैंडल दिखाई दे रहा है, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल को बेयरिश कैंडल कहा जाता है, ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल। कैंडल के इस पोर्शन को बॉडी कहा जाता है और इस पोर्शन को अपर शैडो या अपर विक भी कहा जाता है, और इस पोर्शन को लोअर शैडो या लोअर विक भी कहा जाता है। जब हम रेड कैंडल को देखते हैं, कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ था, प्राइस यहाँ तक आया था, फिर नीचे आके यहाँ तक आया था, फिर थोड़ा ऊपर में जाके यहाँ पर क्लोज हुआ है। जब ग्रीन कैंडल देखते हैं, कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ था, उसके बाद यहाँ पर तक आके लो बनाया, फिर ऊपर यहाँ तक आके हाई बनाया, फिर थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पर क्लोज हो गया। ग्रीन कैंडल के लिए यहाँ पर ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। रेड कैंडल के लिए यहाँ पर ओपन, यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर लो और यहाँ पर हाई। अब हम थोड़ा कुछ और कैंडल को देख लेते हैं। ऐसा एक बड़ा एक ग्रीन कैंडल बनता है और छोटा छोटा शैडो या विक बनता है ऊपर नीचे में, तो उसे लॉन्ग ग्रीन कैंडल कहा जाता है और रेड कैंडल को लॉन्ग रेड कैंडल कहा जाता है। ऐसे ही छोटा बॉडी के साथ छोटा छोटा अगर विक बनता है तो उस ग्रीन कैंडल को शॉर्ट ग्रीन कैंडल कहा जाता है और रेड कैंडल को शॉर्ट रेड कैंडल। अगर बिना विक का कोई बड़ा वाला ग्रीन कैंडल बनता है तो उसे ग्रीन मारुगुजू कहते हैं, और बिना विक वाला बड़ा रेड कैंडल को रेड मारुगुजू कहते हैं। अगर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है और नीचे की तरफ छोटा सा विक व शैडो बनता है तो उसे बुलिश क्लोजिंग मारुगुजू कहते हैं। अगर एक बड़ा सा रेड कैंडल के अपर साइड में छोटा सा विक या शैडो बनता है तो उसे बेयरिश क्लोजिंग मारुगुजू कहते हैं। अगर एक बड़ा ग्रीन कैंडल के अपर साइड में छोटा सा विक बनता है या शैडो बनता है उसे बुलिश ओपनिंग मारुगुजू कहते हैं। अगर एक बड़ा रेड कैंडल के बनने के बाद नीचे की तरफ एक लोअर शैडो या छोटा सा विक बनता है तो उसे बेयरिश ओपनिंग मारुगुजू कहते हैं। अगर छोटा बॉडी के साथ बड़ा बड़ा ऊपर या नीचे विक बनता है या शैडो बनता है तो उसे स्पिनिंग टॉप कहते हैं और रेड कैंडल को भी स्पिनिंग टॉप कहते हैं। प्राइस जहाँ पर ओपन हुआ अगर वहीं पर क्लोज होता है और ऊपर नीचे बड़ा बड़ा विक बनता है या शैडो बनता है तो उसे लॉन्ग लेगेड डॉजी कहते हैं। ऐसा रेड कैंडल को भी लॉन्ग लेगेड डॉजी कहते हैं। अगर प्राइस जहाँ पर ओपन हुआ है वहीं पर क्लोज होता है, ऊपर में और नीचे में छोटा छोटा शैडो बनता है तो उसे बुलिश डॉजी कहते हैं, रेड कैंडल को बेयरिश डॉजी कहते हैं। अगर प्राइस जहाँ पर ओपन होता है वहीं पर क्लोज होता है, नीचे का वीक व शैडो बहुत बड़ा बनता है और अपर साइड में छोटा वीक व शैडो बनता है, ऐसा ग्रीन कैंडल को क्रॉस डॉजी कहते हैं। वैसे ही अपोजिट रेड कैंडल को इन्वर्टेड क्रॉस डॉजी कहते हैं। अगर प्राइस जहाँ पर ओपन होता है वहीं पर क्लोज होता है, नीचे की तरफ बहुत बड़ा शैडो या विक बनता है उसे ड्रैगन फ्लाई डॉजी कहते हैं। वैसे ही एक उल्टा कैंडल अगर रेड बनता है उसे ग्रेपस्टोन डॉजी कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, कंप्लीट हैमर की तरह दिख रहा है। अगर बॉडी से विक नीचे की तरफ बनता है और दो तीन गुना ज्यादा बड़ा बनता है तो उसे हैमर कहते हैं। अगर ऊपर की तरफ से थोड़ा सा भी विक बनता है तो भी उसे हैमर ही कहा जाता है। वैसे ही रेड हैमर कैंडल बनता है तो उसे हैंगिंग मैन कहते हैं। उल्टा हैमर को इन्वर्टेड हैमर कहा जाता है और उल्टा रेड हैमर कैंडल को शूटिंग स्टार कहा जाता है। क्योंकि मैं खुद एक ट्रेडर हूं, मैं आप लोगों से ऐसी बात डिस्कस करूंगा जो एक्चुअली काम करता है और प्रैक्टिकली है। अब टेक्निकल एनालिसिस को डीपली जानने के लिए चार्ट में चलते हैं। बहुत सारा कैंडल मिलके एक चार्ट पैटर्न बनता है। अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, आप देख सकते हैं प्राइस बार बार यहाँ पर आके ऊपर चला जाता है। देखिए यहाँ पर डबल बॉटम बना है। अगर मैं फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, देखिए दोस्तों प्राइस यहाँ पर भी आके बार बार नीचे की तरफ चला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना है। इससे हमें मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आता है।
अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, फिर आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पर आके बार बार ऊपर जा रहा है, इसे आप ट्रेंड कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हम इंडिकेटर के भी यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पर आके सर्च करते हैं वॉल्यूम, तो फिर हमें एक वॉल्यूम इंडिकेटर मिल जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम इंडिकेटर आ गया है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। प्राइस और वॉल्यूम को मिलाकर ही ज़्यादातर इंडिकेटर्स बनता है। अगर हम इंडिकेटर में आके बोलिंजर बैंड को सर्च करते हैं, देखिए दोस्तों बोलिंजर बैंड इंडिकेटर हमारे चार्ट में अप्लाई हो चुका है। इंडिकेटर्स हमें मदद करते हैं मार्केट में सही टाइम पर एंट्री और एग्जिट के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए फंडामेंटल और थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस जानना जरूरी है। शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ थोड़ा सा कंपनी का फंडामेंटल भी जानना जरूरी है। किसी भी कंपनी का अगर फंडामेंटल अच्छा है, फिर हम उस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर कहाँ पर एंट्री करना है और कहाँ पर एग्जिट करना है, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस करना भी जरूरी है। इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी स्टॉक मार्केट के ऊपर में बहुत ही बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाला है। तो फिर जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।